ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लाभ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है क्या? कैसे? खाता बुक QR से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। यूपी में किडनैपिंग के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ताजा मामला है बागपत जिले से, जहां सुबह सुबह एक लोहा व्यापारी का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया और फिर बदमाशों ने व्यापारी के परिवार को फोन कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी है, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आला अधिकारी व्यापारी के घर की तरफ भागे। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ ही स्थानीय नेता भी मौजूद हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक लोहा व्यापारी बड़ौद क्षेत्र के मेन बड़ा बाजार में आज सुबह ट्रक से माल उतरवाने के लिए निकले थे, उसके बाद से घर नहीं लौटे। इस बीच परिवार को एक फोन आया जिसमें अपहरण की सूचना देते हुए 1 करोड़ की फिरौती की मांग की गई। व्यापारी का अपहरण करके उनकी रिलीज के लिए फिरौती मांगी गई है। उनके बेटे ने जब ये सूचना दी, तत्काल प्रभाव से यहाँ पर मेरे साथ बाकी यहाँ की शॉर्ट सर्विलांस और 4 टीमें अन्य यहाँ पर लगी हुई हैं। हम इसमें ट्रेस कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे जब ये निकले थे, इनका मूवमेंट किधर की तरफ था और कुछ संदिग्धों के मूवमेंट्स के कहते हैं आसपास के CCTV कैमराज में आई हैं। इसमें UPSTF की टीम को से भी अनुरोध किया गया है कि वो भी इसमें हमारा सहयोग करें, हम जल्द से जल्द अपहर्ता की बरामदगी कर लेंगे। अभी इनके बेटे द्वारा बताया गया है कि 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। फिलहाल किसकी तरफ से? फिलहाल कोई पूछताछ में सामने आया? अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी टीमें लगाई गई हैं इसमें? अभी 8 टीमें जनपद की तरफ से और UPSTF की टीम से भी अनुरोध किया गया। CCTV वगैरह में सर कुछ सामने? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम CCTV सारे ट्रैक करें, जिसमें अपहर्ता का मूवमेंट भी ट्रैक हो सके और बाद में संदिग्धों का मूवमेंट ट्रैक कर सके। ठीक है, थैंक यू। उधर बड़ौद के चेयरमैन अमित राणा ने व्यापारियों के खिलाफ हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी खौफ में हैं। पुलिस को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। पिछले दिनों एक व्यापारी की हत्या हो गई थी, अब एक व्यापारी का अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। उन्होंने कहा कि व्यापारी सुबह 5 बजे करीब अपने गोदाम पर माल उतरवाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उनका अपहरण हो गया। उसके बाद में हम सब लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, पुलिस को भी सूचना दी, पुलिस भी पहुँची। लगातार व्यापारियों के लिए में घटना हो रही है, चिंता का विषय है और पुलिस को इसमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। रंगदारी मांगी गई है? हाँ, उनके लड़के के फोन पर 6:03 पर सुबह फोन आया, 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। अच्छा, कहाँ गए थे ये? अपने गोदाम पे गए थे, इनकी दुकान है बाजार में। सुबह यहाँ से 5 बजे को गाड़ी आई थी, उसे उतरवाने के लिए गए थे और वे वहाँ तक नहीं पहुँचे। बागपत से दुष्यंत त्यागी की रिपोर्ट, UP तक।